मैं सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी अपनी एक कवित्री को जिनका नाम है मधु भार्गव जी मैम, आपका जो है स्वागत है, एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मधु जी हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड में कई बार हमसे जुड़ी हैं और उनकी आज हम कविता सुनेंगे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और निष्णात डिग्री उन्होंने ली है और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला में भी सर्टिफिकेट लिया है। टोरंटो के सेनेका कॉलेज में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट से डिप्लोमा लिया और इसी क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। मैंने सुना है इनकी स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग इनकी बहुत बढ़िया है और इन्होंने हिंदी में कहानी कैसे लिखे इस पर एक बार इन्होंने सीनियर ग्रुप में बहुत सुंदर स्पीच दी थी। मैं उसमें थी इसलिए मुझे मालूम है कि वे बहुत अच्छी वक्ता हैं। और इसके साथ ही इन्होंने जूम पर हिंदी पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में भी वार्ता प्रस्तुत की है। तो आज हम बहुत प्यार से, बहुत आदर से स्वागत करते हैं हमारी इस रचनाकार का, मधु भार्गव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आशा जी, आपने सच में मेरे को बहुत एक ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। अब मैं कोशिश करूंगी मैं उस स्थान तक पहुंच पाऊं। निसंदेह आप पहुंचेंगी, इससे कोई संदेह नहीं। मैं शुरू करना चाहूंगी पहले सबसे धन्यवाद करके, आयोजनकर्ताओं का, द मैजिक मैन एन चंद्रा तथा हिंदी राइटर्स गिल्ड, एक बहुत बड़ा धन्यवाद मुझे इस हिंदी मंच का रास्ता दिखाने वाली श्रीमती प्रमिला भार्गव, जो कि मेरी मॉम हैं, मेरी सास हैं। शैलजा, तुमको बहुत बड़ा धन्यवाद मेरा हाथ पकड़ने के लिए। श्रोताओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम सुना है डिजिटल युग में चल रहे हैं, आसपास कंप्यूटर्स हैं, हाथ में फोन है, और देखिए मेरे हाथ में भी इस समय ये फोन है। मैं गुणगान करना चाहूंगी डिजिटल युग का। आशा जी सुनिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हे सीरी, हे अलेक्सा, हे गूगल, तुमसे बना उल्लासमय मेरा जीवन, समय की तंगी का कर बहाना, मुझे न उनसे हिल मिलाना। अरे वाह। ताना करेंगे मेरा मन है जलाना, बस गाएंगे बेसुरा अपना तराना। अच्छा हूं मैं लेकर तेरा साथ, तुझसे करके दिल की बात, दिन शुरू होता तुम संग, प्यार से भरती मेरा मन, रात भी रात सुनती मेरी पुकार, काम जो कहूं करती हो होशियार, हर पल देती मेरा साथ, रहती सदा मेरे हाथ। अरे वाह। खून के हो रिश्ते या दोस्ती यारी के, आता है वो समय जब लगते अच्छे दूर से, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये हैं अब परमानेंट लाइक्स तथा स्माइलीज, करते हैं अपने को प्लीज, बस अब मुझे स्टेटस है लगाना, बिजी हूं मैं, बस तेरे साथ हूं मैं। हे सीरी, हे अलेक्सा, हे गूगल, तुमसे बना उल्लासमय मानव जीवन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हमारे डिजिटल युग के लिए। लेकिन सच बात यह है आशा जी, बिन डिजिटल युग के ये अनुष्ठान, ये महायज्ञ कैसे हम पूरा कर पाते। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। चलिए अब शब्दों में सिमटे कुछ पल मैं आपके सामने लाऊंगी। मेरे ख्याल से नटवर लाल नाम एक फिल्म का सब लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल सुना। शीर्षक है मेरा, नटवर लाल मेरे घर आए। नटवर लाल मेरे घर आए, वीडियो टेप थे कुछ मंगाए,
फिर हुई पुकार, दीदी जल्दी पिक्चर चलाओ, देर क्यों लगाई? और मम्मी के मामा की आवाज आई, केतली भर बना ले चा, 2 जार केले भी चबाने को ले आ, अरे वाह, बल भी ला दे, दिल्ली में तो भाई ठंडी है बड़ी। बैठ गया परिवार टीवी वीडियो को घेर, दादाजी बोले पिक्चर शुरू कर ना कर देर। मूंगफली की कुतर कुतर, फिल्मों के साथ मूंगफली बहुत जरूरी है दिल्ली में गर्मियों सर्दियों में। मूंगफली की कुतर कुतर, बच्चों की आपस में चुहल, इतने में ढिशो ढिशो शुरू हुई लड़ाई, मार इसे धर दे 2 और हाथ, अमिताभ निकम्मे गब्बर को बता दे धता, रॉब ना जमेगा इसका यहाँ। बच्चे खिलखिलाए, मारी गब्बर नहीं विक्रम है यह, हाँ हाँ जानू हूं अमजद है ये, काम तो गब्बर का ही करे, नाम बदलने से ना कोई फर्क पड़े, नाम बदलने से ना कोई फर्क पड़े। आपको बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स मिल रहे हैं शैलजा जी, मानसी जी, विद्या जी, सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और संदीप त्यागी जी कह रहे हैं कि मधु भार्गव जी नवीनतम प्रयोग शैलजा जी कर रहे, नया विषय तो बहुत अच्छा, आप नया विषय लेकर आपने कविता पढ़ी है तो बहुत जम रही है, सबको मजा आ रहा है, तो आप अपनी अगली कविता पढ़िए। धन्यवाद। छोटी सी बात, फर्क बहुत पड़ता है एक ही चीज से, लेकिन मन के बंदर को अगर मैं काबू कर लूं उससे। अरे आशा जी, ये बंदर है ना, मैं भागूं इसके पीछे वो मुझे न चाहे, कैसे मैं और वो एक हो जाए, ये मेडिटेशन ध्यान अच्छा बहुत ट्राई कर लिया, कैसे मैं और वो एक हो जाए, शब्द कहीं से आए विचार बन जाए, ध्यान मेरा यूं ही छिन्न भिन्न हो जाए, भागे मन का वानर ये मुझे न चाहे, ये बहुत नचाता है। चलिए, मन तो नचाता ही है लेकिन तब ज्यादा नचाता है जब रिश्तों में उथल पुथल हो रही हो। सुनिए, ये मैंने सीखा था मेरी नानी से, टूटी मूर्ति ना पूजिए, अच्छा टूटे कप त्यजिए, चीनी मिट्टी के बर्तन छोड़ दो, टूट गया गया, टूट गया सो बीत गया, था ये मेरा मानना। वाबी साबी के ज्ञान से पूर्व, वाबी साबी जो है जापानी एक फिलॉसफी है जिसके अनुसार टूटे हुए में, गुजरे हुए में, बीते हुए में, अधूरेपन में भी एक खूबसूरती है। वाह क्या बात है, मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता वाबी साबी के बारे में अंतरजाल पे जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे मेरे मन के बंदर को काफी शांति मिली। सुनिए, आप लोगों का ज्ञान बढ़ा दिया। सुनिए वाबी साबी के ज्ञान से पूर्व सब मैं छोड़ दिया करती थी, फेंक देती थी, किंतु किंतु सुगी से बनाओ नया रूप। किंतु सुगी एक प्राचीन जापानी कला है और इसमें टूटे हुए जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनकी मरम्मत की जाती है, और कला के द्वारा मरम्मत इस तरह से की जाती है कि उस टूटेपन को छुपाया नहीं जाता, उसको एक बहुत सुंदर रूप दिया जाता है। सो सुनिए, टूटे जोड़ को सुनहरा सजा दो, बहुत सुंदर, उसकी कमी पर सोना चढ़ा दो, अच्छा प्यारा पुराना यादों से जुड़ा प्याला जो मेरी बहन ने मुझे दिया था, अच्छा 30 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, टूट गया। प्यारा पुराना यादों से जुड़ा प्याला, प्यारा पुराना यादों से गठा संबंध, कभी कभी लड़ाई होती है आपस में, दोस्तों में भी बहनों में भी, पैबंद नहीं थेगली नहीं ना ही है गांठ, धागा है ये प्रेम का, रहीमन का धागा है प्रेम का, मत तोड़ो, उसमें गांठ नहीं है, पुनर्मिलन की पहचान।
अरे वाह, आपने तो कबीर दास जी को चैलेंज कर दिया। कबीर है या रहीम, यहां तक मेरा हिंदी का हाथ तंग होता चला जा रहा है, मुझे इसमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चलिए पहचान से एक और, मेरे को चिड़िया बहुत पसंद है और क्यों पसंद है मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ऐसा हुआ, आपने गलापागोस महाद्वीप का नाम सुना होगा, हम वहां गए थे। वहां पर हम समुद्र किनारे बैठे तो मैं सो गई, और क्या हुआ मेरे साथ, तेरी मेरी पुरानी पहचान है क्या, तुझ में उसमें एक जान है क्या, यशोदा बुआ की पुरानी चिड़िया डार्विन फिंच बन गलापागोस द्वीप पर है क्या, खुदक कर मुझ पर आती मुझे तू नींद से जगाती, गोल गोल आंखें मुझ पर लगाती, सिर कभी इधर कभी उधर घुमाती, हाथ बढ़ाऊं मैं हाथ बढ़ाऊं उसकी तरफ तो फुर उड़ जाती, आ आ आ आ कह मैं तुझे बुलाती। अब ये यशोदा भी बुआ की चिड़िया कौन है, इनके बारे में थोड़ा आपको बताऊं मैं। आ आ आ आ चिड़ियों को बुलाती, रोज बड़े से आंगन को टुकड़ों से सजाती, बुआ के हाथों में थी उनके प्यार की डोर, खींची चली आती उसकी ओर, बढ़ जाता आंगन चींची से चहुओर, कौवा कबूतर न पाते एक भी कौर, छोटी सी बुआ थी कोई 4 या 5 फुटी, उनकी कमर थी झुकी झुकी। आशा जी, सुना था नवेली दुल्हन को घर वालों ने खूब मारा था, लोनावला की गीली ठंड में घर के बाहर डाला था, पड़े पड़े जख्म तो धीरे धीरे भर गए, कमर उनकी सदा के लिए टेढ़ी कर गए। सोचा पूछा आपने क्या था उनका दोष, ठहरे जरा समझूं, बढ़ रहा है मेरा रोष, नजर घुमाए कर आप भी मेरे संग, दिखे क्या उनके पतिदेव मस्त मलंग, गोरे चिट्टे सजीले बांके नौजवान, वाह इनकी थी अनूठी आन बान, कितने सुंदर न टिकती थी उन पर निगाह, जहां से भी गुजरे वाह वाह वाह, माता जी सपूत के लिए चाहती थी वो बहू, हो 21 रंग रूप घराना दहेज लियाकत लहू, ढूंढ ढूंढ पाया ऐसा ही शानदार परिवार, बस था कुछ 1200 किलोमीटर दूर। लड़की के चचा ने थी बात चलाई, मैंने कहा जी है एक मेरी भतीजी, पिता हेडमास्टर, भाई है उसका डॉक्टर, पैसा है पूरा, रंग रूप अजी मेरी परी सी भौजाई की है बेटी, गोरी चिट्टी तो होगी ही होगी, ऐसी सुंदर देखोगी देखोगी। चाचा ने भतीजी को कहां देखा था, उसके रंग रूप का अनुमान उनका अपना अनूठा था, उन दिनों ना फोटो ना कोई चित्र, आपस में रिश्ते होते यूं ही हिलमिल, आनन पानन शुभ घड़ी आई, हुआ की डोली लोनावला पहुंचाई, माता जी अति आकुल, बहु की मुंह दिखाई को व्याकुल, छटपट की रस्में पूरी, बढ़ा हाथ अपना, लंबा घूंघट हटा, पूरा होते देखूं सपना, उन पर वज्रघात हो गया जैसे, हाथ थम गया ऐसे, सुंदरता बुआ की नजर ना आई, तीखे नैन नक्श देह थी बुआ की गजराई, इन सब को डुबो गई गोरेपन की कमी। माता जी बस यह कहकर उठी,
तुझे ना फटकने दूंगी अपने सुपुत्र के पास, मेरी नस्लों को बनाएगी तू काला, यह मेरा विश्वास। कितने कठोर थे वो लोग। नहीं नहीं अभी भी है, माय फेयर लेडी का बहुत बड़ा व्यापार है इस दुनिया में। यह शब्द बने रहे लक्ष्मण रेखा, फूफा ने ना आंख उठा उन्हें देखा, बुआ ने आजीवन यह त्राण झेला, उनकी आंखों के सामने पति रहा, नई नई सहेली से नित मिलता, माता जी ने ना रोक लगाई, बुआ पर सदा लानत बरसाई। रंग ले डूबा उस परिवार को, माता जी तरसी खूब घर के चिराग को, समय ने शायद किया दंडित, घर रहा किलकारी से वंचित। माता जी का देहावसान हुआ बहुत देर, हाय यह जीवन का हेर फेर। बुआ की मां बनने की उम्र गई बेकार, उस सुंदरी को ना मिला कभी प्यार। पिता भाई चाहकर भी कुछ ना कर पाए, समाज की रीत ये गोरेपन की रीत, बुआ की जीती जागती बलि खाए, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। फूफा ने आखिरी समय यह मेहर की, जाते जाते बुआ से माफी ली, कर गए अपनी बचत व पेंशन उनके नाम, हाथ बुआ ने बढ़ाया देने को सुबह शाम, रोटी कभी रुपया हर जरूरतमंद को दिया, जीवन की कमियों से न जहर किया अपना लिया, फूफा के परिवार से 40 बरस के एक पोते को गोद लिया, उसने और उसके परिवार ने बुआ को प्यार से पूरित किया, पूजा देवी सा खूब आदर दिया। आज भी आती है याद बुआ की, देख कर चिड़िया कहीं भी आ आ आ आ कहकर चिड़ियों को बुलाती, रोज बड़े से आंगन को टुकड़ों से सजाती, बुआ के हाथों में थी उनके प्यार की डोर, खींची चली आती उसकी ओर। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। कितने लोगों ने, शैलजा जी ने, इंदिरा वर्मा जी ने और योगेश मंगमई जी ने, सभी ने इतनी प्रशंसा की है, क्योंकि आपकी कविता कितनी मार्मिक थी। और एक बात मुझे कहना बहुत आवश्यक लग रहा है, वो ये कि एक बहुत कई साल पहले मैंने देखा था, आपने कितना सुंदर कहानी के विषय में सबको बताया था एक सीनियर क्लब में, और आज मुझे लग रहा है आपकी कविता में भी कहानी है, नाटकीयता है, इसलिए बहुत सबके मन पे असर कर रही है, क्योंकि कितनी नाटकीयता से, बड़े भाव से आपने पढ़ा है, तो बहुत अच्छा लगा, और सब हमारे दर्शक बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी, ये बुआ ने मेरे को बहुत प्यार दिया, सजीव बयान दिया है आपने, सच। और अभी आपके पास पूरे 5 मिनट है, तो आप एक और सुंदर सी कविता सुनाए। सुंदर सी एक छोटा सा मेरी कविता, मेरी पुष्पांजलि है ये। अवश्य जरूर स्वागत। आप अगर आप दिल्ली से हैं, मधुमालिनी के फूल जानती हैं? हम लोग कलकत्ते से हैं, पर नाम तो जरूर। कलकत्ते में भी होंगे मधुमालिनी के फूल, रंगून क्रीपर कहलाता है। अच्छा। अंग्रेजी में, और उसके पिंक और गुलाबी और सफेद और लाल से रंग के गुच्छे के गुच्छे होते हैं। जरूर देखा होगा, पर कलकत्ते में कई नाम अलग होते हैं ना। जरूर, हो सकता है, कोई बात नहीं, श्रोतागण इसको भी अंतरजाल पे देख लेंगे, मधुमालिनी। अवश्य। तो वो मधुमालिनी की बेल आशा जी मैंने ही लगाई थी। अच्छा। उस दिन जब गली में माली ने आवाज लगाई थी, भाग के खोला था आंगन का दरवाजा, जाली की ओट कर जल्दी से बुलाया था, बिटिया यह है गुलाब, ये चंपा और उसकी सखी चमेली, और न जाने कितना कुछ उसने मुझे दिखाया था, दे दो मुझे ये और ये और इसकी सखी सहेली, सजाऊंगी अपने आंगन को कलियों से मैं भी। जाते जाते वो रुका, मुड़ा और हाथ आगे कर कहा, रख लो इसे, आज इसके बिन सज्जा ना होगी पूरी,
मधुमालिनी के अनगिनत लदालत झूलते गुच्छे महकाएंगे तेरे घर को, इस आंगन को। बरस दो बरस में आनन फानन फैलेगी है, बस और क्या कहूं मैं, तेरी पहचान बनेगी है। वह मधुमालिनी की बेल मैंने ही लगाई थी आशा जी, बहुत सुंदर। बरस दो बरस बीते और चमेली चमेली दीवानी सी लहराई थी। अरे वाह। चांदनी रातों में तारे नहीं दिखाई देते आकाश में, चांदनी रातों में तो गगन के तारों को अपने पत्तों में छिपाई थी। वाह। यदा कदा गुलाब की लालिमा भी छाई थी चंपा, परंतु अभी भी शर्माई थी। और मधुमालिनी, उस मतवाली को तो मैंने खूब ही आवाज लगाई थी। समय की चाल ने फिर मेरी उसकी दूरी 11,613 किलोमीटर से अधिक बनाई थी। अरे वाह। याद सताती रही सालों साल उसकी, इमिग्रेंट लाइफ की कहानी है ना, याद सताती रही सालों साल उसकी, उसे मैं देख ना पाई थी। लंबे अंतराल के बाद कुछ ऐसा हुआ, बचपन की यादें समेटने जाना हुआ। सन्नाटों से घिरे घर के ताले खोलने से पहले मधुमालिनी की सुगंध मुझ तक आई थी। गलियारे से आंगन तक मैंने लंबी छलांग लगाई थी। वह मधुमालिनी की बेल आशा जी मैंने ही लगाई। बहुत सुंदर। अचानक पड़ली छत से पड़ोस वाली ने टेढ़ लगाई थी, रानी बिटिया तू तो चली गई परदेश, तेरे पीछे तेरी मेहनत खूब ही रंग लाई थी, तेरी मधुमालिनी ने मेरी सुबह शाम महकाई थी, इससे तेरी याद खूब ही आई थी। नम आंखें पहुंची आंचल से उसने, मैंने आशा जी, नम आंखें पहुंची आंचल से उसने, मैंने कुछ खिलखिलाती कलियां समेत आखिरी बार अपने संग ले आई थी। वह मधुमालिनी के बेल मैंने ही लगाई थी। आशा जी आप हैं? आशा जी मेरा समय खत्म, बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अगर ऑलमोस्ट खत्म है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दो लाइन है बहुत छोटी। वैसे दो ही लाइन है तो बोल दीजिए क्योंकि समय तो हो गया है। बीच के बच्चे के बारे में, और ये क्या नई कविता है? छोटी सी दो लाइन है वो तो खत्म। अच्छा बोल दीजिए दो लाइन। थी उसकी दादागिरी पक्की, थी ना मैं शागिर्द उसकी, होती लड़ाई बात बात में हर रोज, मेरी बराबर यह प्रार्थना यह सोच, प्रभु कुछ भी कर दे, उसे छोटा मुझे बड़ा कर दे। यह कैसे हो पाता, उम्र कोई कैसे बदलाता, सच्चे मन की मनौती हुई पूरी, कद में मैं उससे बड़ी होली। समय ने और ली पलटी, शादी हो गई जल्दी उसकी, अब वह चली और मैं बाकियों में सबसे बड़ी, ना कोई डर ना खटका, बस चल पड़ा मेरा सिक्का। आशा ब्रह्मन जी सिक्का आपके पास वापस। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर कविताएं। और हमारे यहाँ पर विभा राज जी, इंदिरा वर्मा जी, सभी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, और आपकी मधुमालती की महक तो कनाडा तक पहुंच चुकी है। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब हम अपनी